काफी दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक कीड़े की जो फोटो है वो किसी मरे हुए किसान के साथ अटैच कर करके वायरल की जा रही है कि इस कीड़े के काटने से काफ़ी सारे किसानों की जो मौत है वो हो चुकी है, जिससे किसानों के अंदर एक डर बना हुआ है कि कहीं ये हमारी फसल में कीड़ा ना हो, अगर हम इसे बाय चांस टच कर लेते हैं या फिर हमें ये काट लेता है तो हो सकता है कि ये हमें भी नुकसान कर दे। तो आज की इस वीडियो में जानें कि ये जो कीड़ा है उसे हम किस नाम से बुलाते हैं और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा जो हानिकारक है वो हो सकता है। बेसिकली ये जो इंसेक्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया या फिर साउथर्न जो चाइना है वहाँ पर पाया जाता है। वहाँ पर ये नारियल के जो पेड़ है या फिर आम के जो पेड़ है या फिर ऑयल पाम जो ट्री है उनके ऊपर आसानी से देखने को मिल जाता है, यानी कि ये वहाँ का कॉमन पेस्ट है। इस कीड़े का जो पूरा नाम है वो है पार्सा लेपिडा या फिर इसी प्रजाति का दूसरा कीड़ा है जिसका नाम है मोनेमा फ्लेवेंसिस। ये दोनों ही प्रजाति के कीड़े बिल्कुल देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क होता है। अगर आप ये जो दोनों नाम है मैं आपको लिख भी देता हूँ वीडियो के अंदर, अगर आप इसे गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो हो सकता है कि आपको इस कीड़े के बारे में काफ़ी सारी जो जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाए। बेसिकली इसका जो मौत है या फिर जो तितली है, कई बार होता है कि एक देश से दूसरे देश में उड़ करके ये आ जाते हैं और वहाँ पर अपने जो अंडे वगैरह है वो देते हैं, तो इस तरह के कुछ एक जो कीट है वो आपको फसलों के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली इंडिया के अंदर हम बात करें तो गन्ने के ऊपर या फिर कुछ एक कॉटन वाले जो फार्मर है वो फोटो सेंड करें कि हमारे खेत में इस तरह का जो कीड़ा है वो देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि इस कीड़े से आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो, इस कीड़े के जो त्वचा है उसके ऊपर कुछ एक जो कांटे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर बाई चांस आप इस कीड़े को छू लेते हो या फिर ये जो कांटे हैं वो आपकी स्किन के ऊपर चुभ जाते हैं तो खाली ये आपको एक खुजली टाइप सा जो दर्द है वो देंगे, इससे ज़्यादा ये आपका कोई भी जो नुकसान है वो नहीं करने वाले। काफ़ी सारे किसान कह रहे हैं कि जो किसानों की मृत्यु है वो भी हो रही है सोशल मीडिया पे, आप देख भी रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली खुजली होती है। आपको मैं एक फ़ोटो शो करता हूँ जिसमें एक मनुष्य का जो हाथ है वो दिखाया कि इस मनुष्य ने इस कीड़े को टच किया तो उसके बाद में आप देख रहे हो कि उसके हाथ के ऊपर हल्की जो स्किन के ऊपर खुजली है वो आपको दिखाई दे रही है। वैसे सोचने वाली बात है कि इंडिया के जो फार्मर है वो बड़ा जल्दी इस बात का भय मानते हैं, अगर यहीं पर कोई चाइना का किसान होता तो अब तक इसे बना करके मेरे हिसाब से खा भी जाता। आखिर के अंदर एक बात और साझी कर लेते हैं आप सभी किसान साथियों के साथ, जो भी आप फसलों में इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हो किसी भी कीड़े को मारने के लिए, रेगुलर वही दवाइयाँ अगर आप यूज़ करते आ रहे हो तो आपके खेत के अंदर ये जो कीड़ा है वो आसानी से मर भी जाता है। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।